أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear students of class 9 Today we are going to learn lines and angles Lines and angles आपने सुना होगा ज्योमेट्री Lines and angles जो टॉपिक हमारा है ये ज्योमेट्री का एक टॉपिक है ज्योमेट्री द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ये जो लाइनेज एंड एंगल्स हम पढ़ने जा रहे हैं मैंने कहा आपको ये एक ज्योमेट्री का लफ्ज है इसका ज्योमेट्री मतलब सब्जेक्ट का एक टॉपिक है पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जियो जियो मीन्स अर्थ एंड मेटर मीन्स मेजरमेंट ग्रीक जो थे वो जमीन का मेजरमेंट करते थे और जमीन का मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने एक रूल बनाया एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच बनाया जिसको कहते हैं ज्योमेट्री शाबाश ये ज्योमेट्री करने का मकसद इनको क्यों पड़ा क्यों इन्होंने इसको ईजाद करने की जरूरत महसूस की बच्चों अब देखते हैं कि ग्रीक यानी यूरोपियन कंट्री में से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता था जिसका आज भी गुजरता है इसका नाम है नील ये नील जब ये बहुत बड़ा दरिया है इसमें जब फ्लड आता था तो ये जमीन की बहुत बर्बादी करता था ऐसे बर्बादी करता था किसी का बॉर्डर नहीं रखता था किसी के निशान नहीं रखता था कहां से किसकी जमीन शुरू होती थी कहां पर एंड होती थी और इस तरह इसको ये दरहम बरहम कर देता था इस दरहम बरहम के काम को फिर सुधारने के लिए फिर कायम करने के लिए वहां के साइंटिस्टों ने एक नया रूल इजाद किया जिसका नाम है ज्योमेट्री इन्होंने एक सिस्टम बनाया इस मेजर जमीन को फिर से नापने के लिए ये पुराने जो खत्म हुए निशान हैं इनको फिर से खड़ा करने के लिए इन्होंने एक रूल बनाया जिसको कहते हैं ज्योमेट्री आपने समझा कि जियो मीन्स अर्थ एंड मेंटेन मीन्स मेजरमेंट जमीन का मेजरमेंट और जमीन का जब मेजरमेंट करते हैं इसमें पहला जो पॉइंट आता है पहली जो मतलब पहली वर्क काम जो आता है वो आता है पॉइंट पॉइंट किसको कहते हैं आप देखते हैं ये एक पॉइंट है किसी चीज को हम इजहार करते हैं यहां से ओरिजिन से इसको पॉइंट कहते थे और पॉइंट से आगे बढ़कर जब दो पॉइंट को हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है दो पॉइंटों को यहां से हम एक पॉइंट डालते हैं यहां से एक दूसरा पॉइंट डालते हैं इन दो पॉइंटों को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है ए बी तो ज्योमेट्री में पहला जो सेटअप आ गया वो तो लाइन का आ गया लाइन इज मेड बाय जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स जब हम दो पॉइंटों को जोड़ते हैं इनको हम मिलाते हैं तो एक लाइन बन गई एक लाइन बन जाती है शाबाश क्योंकि जमीन का मेजरमेंट है लाइन तो जरूरी बनाना है बॉर्डर तो खड़ा करना है इसलिए लाइन की जरूरत है तब सबसे पहले जो टॉपिक इसमें जो सबसे पहला लफ्ज आ गया वो आ गया लाइन आप लाइन समझ गए लाइन किसको कहते हैं जब दो पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है लाइन से आगे जब एक लाइन यहां से चलती है दूसरी लाइन यहां से चलती है एक ही इनका ओरिजिन है सपोज हम यहां करते हैं एक लाइन हमारी यहां से जाती है दूसरी लाइन यहां से जाती है इनका ओरिजिन ये है ये ए है ये बी है और इनके दरमियान एक डिस्टेंस है इनके दरमियान एक लाइन यहां से गुजरती है दूसरी लाइन यहां से गुजरती है तो इसको कहते हैं एंगल इसको कहते हैं एंगल
शाबाश एंगल. व्हेन टू लाइंस कम्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन दे फॉर्म्स द एंगल. द लाइंस आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल. जब दो लाइनें एक ही ओरिजिन से गुजरती है, एक ही पॉइंट से गुजरती है, ये ओ है, यहां से एक लाइन यहां की तरफ जाती है और दूसरी लाइन यहां की तरफ जाती है, इनका ओरिजिन एक है, ये ए ओ जो है और ओ बी जो है ये एंगल के आर्म्स हैं और कुल मिलाकर इसको कहते हैं एंगल. ए ओ बी ये एक एंगल है और ये इसकी आर्म है, ये इसकी आर्म है. समझ गए आर्म एंगल. शाबाश. तो हमें पता चला कि एंगल के बारे में एंगल कैसे बनता है. इनको एक लाइन यहां से होती है, एक लाइन यहां से गुजरती है, इसके बीच में जो फैसला रहता है इसको एंगल से मेजर किया जाता है. एंगल के बाद हम कहते हैं ये एंगल तो मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं, कभी कोई एंगल छोटा, कोई बड़ा, कोई क्या मीडियम साइज का, और इसको हम अब क्लासिफाई करते हैं एंगलों को. इनको कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. एंगल की कितनी किस्में बनती है. देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल्स में आता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये इतने जो हैं, ये कितने नंबर हमने बनाए, 8-9 नंबर जो हमने बनाए, ये हैं टाइप्स ऑफ एंगल. अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि कौन क्या है, कौन सा टाइप जो है ये किस किस्म का होता है. पहला जो आता है हमें वो आता है एक्यूट एंगल. वो आता है एक्यूट एंगल. देखिए हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है. एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. इस तरह यहां पर बी ओ ए. मैं फिर समझाऊंगा यहां पर. अगर हमारे पास एक लाइन यहां से है और दूसरी लाइन यहां से है, ये इसका ओरिजिन है, ये बी है, ये ए है. अगर ये 60 से कम होगी, 90 से कम होगी, सॉरी 90 से कम होगी, तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको. शाबाश. इसको कहते हैं एक्यूट एंगल. इसको कहते हैं एक्यूट एंगल. ये सपोज इसको हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री के बराबर है. अगर ये 70 के बराबर है, 80 के बराबर है, तब भी इसको कहते हैं एक्यूट एंगल. यानी 90 से जो कम होती है, 90 के बराबर जब आता है तो ये राइट एंगल बनता है. जब 90 से कम, 0 से 90, यानी 0 से नहीं, 0 से 0 जब होगा तो ये लाइन इस पर बिल्कुल होगी, तो एंगल ही नहीं बनेगा. जब 1, 2, 3, 4 अप टू 89 तक जब बनेगा तो इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल, लेस देन 90. समझ गए एक्यूट एंगल. अब एक्यूट एंगल के बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा वो आता है राइट एंगल. वो आता है राइट एंगल. राइट एंगल ऐसे होता है जब ये एंगल बराबर, ये लाइन ऐसे जाएगी ओ बी ए, इसको कहते हैं राइट एंगल. पहले ये एक्यूट थी, फिर जब ये खड़ा हो गई बिल्कुल 90 का एंगल इसने बनाया, परपेंडिकुलर खड़ा किया, तो इसको कहते हैं राइट एंगल. इसको कहते हैं राइट एंगल. आपने यहां पर राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये बराबर होती है 90 डिग्री. पहले एंगल, पहले लाइन यहां थी तो एक्यूट हमने कहा, फिर जब लाइन यहां से भर गई तो 90 के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं इसको राइट. ये भी समझ गए राइट एंगल. और राइट एंगल के बाहर जो तीसरा एंगल आता है, इसका तीसरा जो है, एक्यूट एंगल भी आ गया, ऑब्ट्यूस भी आप समझ गए,
राइट भी समझ गए। अब है हमारे पास तीसरा, दैट इज ऑब्ट्यूज, दैट इज ऑब्ट्यूज। पहले हमने 90 का बनाया, पहले हमने एक्यूट बनाया, फिर राइट का बनाया, अब थोड़ा ऐसे चलेगी। ओ बी ए, पहले लाइन ऐसे थी, फिर ऐसे थी, अब ऐसे चलेगी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज होती है। पहले को एक्यूट किया हमने, दूसरे को क्या किया हमने, राइट। अब तीसरा 90 से ज्यादा, 90 से लेस देन 180। आप इस तरह याद रखिए कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, इसका जो मतलब सम जो होता है, सामने इसका जब मेजरमेंट हम करते हैं, ये 180 से कम होता है, 180 से लेस देन 180, लेस देन 180, बट ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, इसके दरमियान यानी 91, 92, 92, 100, 170, 170, 179, अब तो 80 के बराबर नहीं, 80 से कम, 180 से कम जो आएगा, तो इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। समझ गए ऑब्ट्यूस एंगल भी? इसके बाद आता है राइट एंगल भी समझ गए, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात हम करते हैं, एक्यूट भी समझ गए, ऑब्ट्यूस भी, राइट भी और स्ट्रेट एंगल। अब हम कहते हैं बात स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट, जब एक एंगल, एक आर्म यहां से, अब ये आर्म यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, पूरा यहां से, ये इसका ओरिजिन था ओ, ये था बी, ये ए। अब ये लाइन इसने एक, अब दोनों लाइनों ने मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो 180 के बराबर है, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जब दोनों एंगल के दोनों आर्मों ने मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाई, बिल्कुल ठीक एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो इसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बाद हम चलते हैं कहां पर, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पर। रिफ्लेक्स एंगल जो है, रिफ्लेक्स हमेशा होता है ग्रेटर देन 180 और लेस देन, ये याद रखना, रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। मैं आपको फिर समझाऊंगा यहां पर रिफ्लेक्स एंगल। एक लाइन यहां से है, ये ओ बी है, फिर आई से एक लाइन है, इसको मान लेते हैं ओ, सपोज ये 60 डिग्री के बराबर है, जो बाकी रह गया यहां से मान लीजिए यहां तक, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। ओ बी ओ ए जो एंगल है, इससे जो बाकी पोर्शन जो है यानी 300 का है, 300, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, क्योंकि आप जानते हैं एक पॉइंट पर जो लाइन्स एंगल्स बनते हैं इनका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, 360। इस तरह आप समझ गए कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। मैंने कहा ना यहां पर रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, ये 180 से ज्यादा, बट लेस देन कितना, 360। इस स्टेप को भी आप समझ गए, ठीक तरह समझ गए। अब है दूसरा कसम हमें एंगलों का।
जो हमारा दूसरा टॉपिक टॉपिक नहीं है जो हम आप समझेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स आपने समझ लिए। अब इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो जावियों का जोड़ सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, इट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम एक एंगल को ऐसे बनाते हैं ना, इसी तरह इसके साथ और एंगल यहां पर बन गया, ये है ओ बी ए सी एंगल वन और एंगल टू। जब दो एंगलों का जोड़ व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, ये तो कुदरती इनका जोड़ 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल इज ए स्ट्रेट लाइन। इसका एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। शाबाश। यहां पर दिया है, बिल्कुल मैं यहां पर फिर आपको बताता हूं, यहां पर दिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, यहां पर दिया है। ये समरी, ब्लैक बोर्ड समरी मैंने इसलिए आपको पहले ही यहां पर लिख दी है ताकि आपका जो फोकस इस पर रहेगा, हम किस पॉइंट की वजाहत यहां पर करते हैं, किस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, और मैं आपको फिर से यहां पर इसको एलाबरेट करता हूं, समझाता हूं कि आपको, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना रहे, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। और इंशाल्लाह जो आपकी एक्सरसाइज इसके बाद आएगा, मतलब एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज, आप वो इन तमाम क्वेश्चनों को ठीक तरह कर सकते हैं, वहां पर इसी किस्म के सवाल आपको दिए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल समझ गए, ये एंगल जो है और इस एंगल का जोड़, इस वन का और टू का जोड़ है 180, तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद जो है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हम इसको यहां पर आपको इलाबरेट करते हैं। हमारे पास एक एंगल है, ये मान लीजिए 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है ना, 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल ये बन गया, ये 60 डिग्री का है, और दोनों का जोड़ जो है वो 90 के बराबर है। ऐसे इस एंगल का और इस एंगल का जोड़, सम ऑफ एंगल वन प्लस एंगल वन लीजिए यहां पर, एंगल टू सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 90, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, और कॉम्प्लीमेंट्री में होता है दो एंगलों का जोड़ 90 के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए आप। फिर यहां पर दिया है, हमने सप्लीमेंट्री समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए, एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स या एडजेसेंट, मैं कहता हूं क्लास में लड़के बैठे हैं कंधे से कंधे मिलाकर, जो इसके साथ होता है इसको कहते हैं क्या? एडजेसेंट, साथ साथ। एडजेसेंट का मीन साथ साथ, एक ही जगह पर। हम यहां पर एक एंगल बनाते हैं ऐसे,
ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, एंगल वन एंगल टू। इनके ये इनके मतलब इनके बीच में कोई एंगल है नहीं, इनके बीच में अगर इनके बीच में ऐसे एक तीसरा एंगल होगा, ऐसे एंगल वन एंगल टू, यहां पर लेते हैं हम एंगल थ्री, तो एंगल वन एंगल टू के एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये यहां है, दूसरा एंगल यहां पर है और इनके बीच में एक एंगल है, तो ये एडजेसेंट साथ साथ नहीं है। हमने कहा कि ये साथ साथ है, तो इनके दरमियान फिर एंगल कोई है नहीं। एंगल वन एंगल टू, ये जरूरी नहीं है कि इनका जोड़ कितना है, कम है 90 के बराबर है या 90 से ज्यादा है, लेकिन एक मतलब साथ साथ हैं, इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जब एंगल आपस में साथ साथ होंगे, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। ऐसे आप देखिए, गौर से देखिए, एंगल वन जो है यहां पर, एंगल टू यहां पर है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जिस तरह बच्चे आपस में साथ साथ बैठते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बैठा है तो इसको कहते हैं एडजेसेंट, साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, एडजेसेंट एंगल समझ गए आप। फिर हमारा पॉइंट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, कंप्लीमेंट भी समझ गए, एडजेसेंट भी समझ गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, लीनियर पेयर यहां पर ओ बी ए सी, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? लीनियर पेयर में आप देखते हैं कि इन दो एंगलों में एक साइड एक आर्म कॉमन है। ये ओसी जो है, ये इसकी आर्म भी है और इसकी आर्म भी है, ये इस एंगल का साइड भी है और इस एंगल का साइड भी है। ये एंगल बिना ओसी के नहीं बन सकता है और ये एंगल बिना ओसी के नहीं बन सकता है। अगर हम इस लाइन को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो हम यहां पर नहीं कहेंगे यहां पर दो एंगल है, तो ये बिल्कुल लाइन है। लिहाजा इस लाइन को हम कहते हैं कॉमन लाइन, कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, क्या है? ये कॉमन आर्म है। और ये जो है ओ बी एंड ओ ए, ये नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। जब एक एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये 180 के बराबर होते हैं, इनका मतलब इनका जो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, आप लीजिए सीधा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती है बिल्कुल, ये इस पर जो एंगल बनेंगे वो 180 के बराबर होंगे, तो इसको कहते हैं लीनियर पियर। लीनियर पियर यानी लीनियर पियर में दो एंगल बनते हैं, दो एंगल का जो एक आर्म इनमें होती है वो कॉमन होती है, और जो नॉन कॉमन साइड्स होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होते, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ गए? और यहां पर आज हम यहां ही खत्म करते हैं अपना टॉपिक, और आइंदा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी, ये ब्लैक बोर्ड समरी आप देखते रहिए, और इन पॉइंटों को हमने इलाबरेट किया, इनको गौर से पढ़िए। मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिखा, वजाहत की, फिर से वजाहत की। हो सकता है अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। थैंक्स। अब नया जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसी के मुताबिक, एंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल्स के मुताबिक। थैंक यू।